घर वालों को शॉपिंग करनी थी, घर वाले सारों को इधर उतारे बाजार में। मैं टेक्सला म्यूजियम को एक्सप्लोर कर लेता हूँ तब तक, और करने को कुछ होगा नहीं। तो ये टेक्सला म्यूजियम है जहाँ मैं शायद लास्ट टाइम आया था, कम से कम आई थिंक 3 साल पहले लास्ट टाइम अंदर आया हूँगा यहाँ। जो जिस जगह करीब रहता है उसको उस जगह की कदर ही नहीं होती। देखो फॉरेनर्स आए हुए हैं, यहाँ पास में टेक्सला बाजार है, तो मैं बोर होता हूँ बाजारों में। उन्हें उतारा है घर वालों को, उन्होंने कोई शॉपिंग करनी थी। मैं गाड़ी इधर लाया हूँ, इधर की पार्किंग ओपन है थोड़ी सी, वो पार्किंग लगाई और मैं अभी यहाँ पर ना उनका वेट कर रहा हूँ। वाह भाई कैफे भी बन गया, पहले नहीं था ये। इधर अंदर कैमरा भी नहीं अलाउ, बट छुप छुपा के यूज कर सकते हैं। ये वाला एरिया इस म्यूजियम का नया बना है। कटे सरे वाले बुत हैं, बुत बुत बुत, बीच वाले को देखे धूल है ये। ये वाले बाद में बनाए गए हैं, ये पहले नहीं हुआ करते थे इधर। कॉइन्स हैं उस टाइम के। घड़े घड़े नाइनटीन ट्वेंटी एट में बना है ये म्यूजियम। ये हो गए 95 साल हो गए हैं इस म्यूजियम को बने हुए, और इसका आप वो भी देख सकते हैं बिल्डिंग, अंग्रेज़ों का जो वो होता था ना तर्ज तामीर ब्रिटिश स्टाइल का, उस तरह की है सारी बिल्डिंग। चेक करें, बहुत ब्यूटीफुल टाइप के बाहर से पाथवेज बने हुए हैं, और इस तरफ पार्क है। यहाँ पे हम स्कूल से ना बंक करके आया करते थे कभी कभी, स्कूल से तो नहीं कभी किया था, कॉलेज से कभी कभी आ जाते थे। ये क्या है, अमन की घंटी, ये पहले नहीं होती थी जब मैं लास्ट टाइम आया था। पीस बेल चेक करते हैं, अबे इतनी भारी है किसी के पैर पे गिर गई ना। बच्चे गिरेगी पैर पे। घंटी का नाम है अमन की घंटी,
और टेक्सला के बच्चे सही अमन खराब कर रहे हैं। अभी इसको आके किसी ने चंडे करानी है ना, वो डंडा उठा के ना मेरा इसको कूटने का दिल कर रहा था बेल को, बट मैंने कहा वो कहेंगे भाई बड़ा लड़का है, बड़ा बड़ा बंदा हो के ये वाले हरकतें कर रहा है। मैंने बच्चे को बोला कि ये डंडा उठा इसको कूटने लग पड़, वो लड़का अभी भी लगा हुआ है। आवाज़ आ रही है, बैक साइड का गार्डन है, ये बैक साइड का गार्डन है म्यूज़ियम का। अच्छा हम बहुत पहले आया करते थे तब भी 20 रुपीज़ टिकट थी, अभी भी उतनी ही है। मैंने कहा ये टिकट महंगी होगी होगी अभी। ये मुझे कोई पुराने ज़माने की टंकी टाइप लग रही है, पानी की, अंग्रेज़ों के टाइप की है। पता नहीं कितना पुराना दरख्त है, ये देखें कितना बड़ा है माशाल्लाह। इतनी खूबसूरती है ना इस म्यूज़ियम में माशाल्लाह। यहाँ पे बच्चे वगैरह ग्राउंड खेलते हैं, मतलब ग्राउंड सा बना हुआ है ना, बच्चे ऐसे ही खेलते हैं बीच में। कोई फैमिली वाले आए होते हैं रैकेट्स लेके, बैडमिंटन, कोई क्या खेल रहा होता है, कोई क्या सीन बना रहता है इधर फुल टाइम। आउट 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 आउट, हैंडीक्राफ्ट्स की शॉप है तो ये बहुत प्यारी जगह। ये चेक करें, ये चार बेंचेस जो लगे हुए हैं हर तरफ बेंच, ये पुराने दरख्त, इसको पता नहीं बड़ वाले दरख्त या क्या बोला जाता है। बहुत पीसफुल जगह है, पर बाहर से टेक्सला की दुकानों की आवाज़ें आ रही होती हैं। जो पीछे दुकानें हैं ना हैंडीक्राफ्ट्स की, मैंने दिखाई भी थी आपको, उसकी आवाज़ें आ रही हैं पीछे से। पुराने अंग्रेज़ों के ज़माने के दरख्त लगे हुए हैं यहाँ पर, 1928 में बना है ये म्यूज़ियम। भाई ये है टेक्सला म्यूज़ियम, आज तक नहीं दिखाया था मैंने, चलो टेक्सला का हूँ तो मेरा हक बनता था ये दिखाना, ये भी दिखा दिया। वो भी भाई मजबूरन दिखाया आपको, क्योंकि मुझसे वेला बैठा नहीं जाता। तो ये सारे चाइनीज़ ना अभी रिक्शे से उतरे हैं। या वो मांगने वाले बिल्कुल चिपक गए हैं जालिम के बच्चे इनके साथ। वो देखो कितने प्यार से उससे पेश आ रहा है ये बच्ची जो बाल्टी लेके घूम रही है। इन्ना अल्लाह।